सबको पता है कि महिंद्रा अपनी एसयूवी के लिए ही जानी जाती है। महिंद्रा की एसयूवी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में और लोग महिंद्रा के एसयूवी को ज़्यादा पसंद और विश्वास भी करते हैं। बट महिंद्रा ने एसयूवी के साथ साथ एक ऐसी सेवन सीटर कार को लॉन्च किया था जो वास्तव में ट्रू सेवन सीटर थी। ये सेवन सीटर कार कई मामले में अपने राइवल्स को धूल चटा दिया है। इसका नाम महिंद्रा मराजो है। ये कार ज़्यादा नंबर्स में तो नहीं बिकती है पर एक्चुअल में ये गाड़ी एक अच्छी खासी सेवन सीटर को भी काफ़ी अच्छे से टक्कर देती है, जैसे इनोवा जैसी गाड़ियों को काफ़ी बढ़िया टक्कर देती है। इसलिए इस वीडियो में मैं इस गाड़ी के कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो वाकई में इस गाड़ी को सेगमेंट किंग बनाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वाकई में वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला पॉइंट है जो इस कार को वाकई में एक हीरो बनाता है वो है ग्राउंड क्लियरेंस। ये एक ऐसे पॉइंट है जिसमें सेवन सीटर एमपीवी को देखकर आप चौंक गए होंगे, बट ये सच है कि इस कार की ग्राउंड क्लियरेंस आपको 200 में मिल जाती है, जो इस सेगमेंट में आने वाले इसके राइवल्स के किसी भी कार में इतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इस कार के ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से यह कार काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है। आप इस कार को ख़राब से ख़राब रास्ते पर ले जाते समय नहीं सोचेंगे कि ये कार किसी प्रॉब्लम की इस कार को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी, बट ये कार एक बेहतरीन ऑफ रोडिंग तो नहीं कह सकते लेकिन ख़राब से ख़राब रास्तों पर यह चलने के काबिल है। इतना तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है कि आप हर एक ख़राब रास्तों पर इसको चला सकते हैं, जो इसको इस कार को एक ज़बरदस्त कार बनाता है। वाकई में ये पॉइंट बहुत बेहतर पॉइंट है। चलिए अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो वाकई में इस कार का सबसे बड़ा USP साबित हुआ है वो है स्पेस एंड कंफर्ट। अगर स्पेस के मामले में मैं बात करूँ तो मराजो जो है इनोवा के बाद बेस्ट सेवन सीटर है, जो वास्तव में काफ़ी अच्छा स्पेस ऑफर करती है। किसी भी सेवन सीटर कार में इतनी ज़्यादा स्पेस आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोई सेवन सीटर की मैं बात करूँ तो उससे सबसे बड़ी बात होती है थर्ड रो सीट की बात, और उसकी थर्ड रो सीट कितनी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। लेकिन इस कार के अगर हम इस सेवन सीटर के थर्ड रो की बात करें तो इस सेवन सीटर में आप थर्ड रो में किसी भी तरह के बच्चों को आप बैठा सकते हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबली बैठेंगे और इस मामले में यह कार काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसकी थर्ड रो में बच्चों के साथ साथ बच्चों को तो आराम मिलता ही है, साथ साथ 60 किलो से कम वजन के बड़े भी बैठ सकते हैं, वो भी काफ़ी कम्फर्टेबल तरीके से, जो वाकई में इस कार को एक अच्छा कंफर्टेबल सेवन सीटर बनाता है। और इसमें इतना अच्छा है लेग रूम मिलता है, हेड रूम मिलता है कि कंफर्ट में भी किसी भी तरीके की कोई आपको कमी नहीं मिलेगी, और जो इस कार को वाकई में एक बेहतरीन सेवन सीटर बनाता है, यही सबसे बड़ी इसकी USP है। चलिए अब अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो किसी कार के लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट मैं मानता हूँ वो है इंजन। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो इस कार में केवल आपको डीजल इंजन देखने को मिलता है, पेट्रोल इंजन आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इस कार में आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिलता है जो आपको 120 PS की पावर देता है और 300 Nm के टॉर्क के साथ। ये काफ़ी बढ़िया डीजल इंजन है। इस सेवन सीटर में आपको केवल दो ही ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसमें आपको डीजल इंजन ऑफर मिलता है, एक इनोवा एक मराजो, और सारी सेवन सीटर में आपको जैसे अर्टिका और ट्राइबर वगैरह में आपको पेट्रोल इंजन ही देखने को मिलता है, बस इन दोनों गाड़ियों में डीजल इंजन मिलता है। और इसका डीजल इंजन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इंजन है। वैसे भी महिंद्रा अपने डीजल इंजन के लिए माहिर है, तो इसका डीजल इंजन से किसी भी तरीके की पावर नहीं प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। ये अच्छी पावर भी देता है, माइलेज भी देता है, काफ़ी बेहतरीन डीजल इंजन है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी करता है। इसलिए इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो वाकई में चौंकाने वाला पॉइंट है, जिसमें सेवन सीटर का देखना बहुत बड़ी बात है, वो है हैंडलिंग और स्टेबिलिटी। इस पॉइंट में आप चौंक गए होंगे कि एक MPV की हैंडलिंग इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त कैसे हो सकती है। इसलिए इसकी हैंडलिंग के लिए, इतनी ज़बरदस्त हैंडलिंग के लिए महिंद्रा की तारीफ तो बनती है। वाकई में इस कार में काफ़ी अच्छी हैंडलिंग देखने को मिलती है, सेगमेंट में बेहतरीन हैंडलिंग है गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। सबसे बड़ी बात है इतनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद भी इतनी ज़बरदस्त हैंडलिंग दे पाना, ये बहुत बड़ी बात है महिंद्रा के लिए, और वाकई में महिंद्रा ने इसके लिए काबिले तारीफ वाला काम किया है। और ये गाड़ी हाई से हाई स्पीड पे आपको काफ़ी बढ़िया स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, गजब की स्टेबल होती है। इतनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद इसमें कहीं भी बॉडी रोल भी बहुत कम देखने को
मिलता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसलिए ये गाड़ी को आप, इस गाड़ी को आप कितना भी क्रूज करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाली है, क्योंकि इसकी हैंडलिंग स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो सबका फेवरेट पॉइंट है वो है बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी फीचर्स। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें महिंद्रा की गाड़ियाँ अब धीरे धीरे काफ़ी अच्छा कमाल कर रही हैं। बिल्ड क्वालिटी तो महिंद्रा की गाड़ी की ठीक है इसकी, लेकिन इस गाड़ी ने ग्लोबल NCAP में 4 स्टार की क्रैशटेस्ट रेटिंग मिली है, जो वाकई में इस कार को सेफ बनाती है। और सेफ्टी के मामले में भी ये कार एक बेहतर कार है। और अगर सेफ्टी फीचर्स की मैं बात करूँ तो इस कार में आपको 2 एयरबैग, ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, इम्पैक्ट सेंस, डोर अनलॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, स्पीड अलर्ट जैसे तमाम सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जो इस कार को वाकई में एक बेहतरीन सेफ्टी देते हैं। और ये कार सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जिसके लिए ये कार काफ़ी बेहतर हो जाती है और लोग इस कार की ओर, जो इस कार को हीरो भी बनाता है। लेकिन दोस्तों, सेफ्टी फीचर्स या फिर बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ, जैसा कि हर वीडियो में बोलता हूँ, सेफ्टी फीचर बिल्ड क्वालिटी की अपनी एक लिमिट होती है, बट आपके समझदारी की कोई लिमिट नहीं होती है। इसीलिए आप अपनी गाड़ी को जितना ज़्यादा समझदारी से चलाएंगे, उतना ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स बिल्ड क्वालिटी आपके काम आएंगे। इसलिए गाड़ी को समझदारी से चलाइए। चलिए दोस्तों, ये तो रहा महिंद्रा मराजो के कुछ पॉइंट्स, जो आपको अगर पसंद आए होंगे और आपको लगता है कि अगर ये पॉइंट्स आपके लिए अच्छे हैं तो ये गाड़ी आपके लिए ही बनी है, और ये पॉइंट्स अगर आपको पसंद है तो वाकई में ये गाड़ी आपके लिए एक बेहतर गाड़ी साबित हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।